नाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव गुर परसाद जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच शिवजी सदा सा ओम नमः शिवा गुरुजी सदा सा ओम नमः शिवा शिवजी सदा सा ओम नमः शिवा गुरुजी सदा सा ओम नमः शिवा शिवजी सदा सा ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय कभी बाज बेनती जो भई बादशाही दसनी हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन हुए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सब तुम खाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आय संगरिए तुम्हें चाड कोई
अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सुकुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे भाई है चुन चुन सदर हमारे आप हाथ दे मुझे उबरिए मरन काल का त्रास भरिए सदा हमारी बच्चा श्री अस्तुजो कर राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे काल का ये ब्रह्मा बबतरा काल का ये शिवजु अवतरा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा दूतियो जमन काल सब जगत बनायो देव जात गच्छन उपजायो नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव तन को शिव तुम सुख दियो सतन को पल मोह कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी जब उद करक करा कर तारा पर जा कर तब दे अपारा जेते बदन सृष्ट सब धार है आप अपनी भूल उचार है सब ही तेरे आलम जानत भेद के मेरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंग आका भूल उचार तुदेता जाको देवन पाव तुदेता ताको कर कान अनुमानत महामूर कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का जीन अपनी बुद्ध है जेती वर्ण तेन तेन तुह देती तुमरा लखा न जाए पसारा के मन सजा तुम संसारा एक रूप अनूप स्वरूप रंग पयो राम कई रूपा अंगद तेरज से तज की मेल तुझ काल बोल रज दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पे संकर कहता सगरी सिस्ट दिखाए Da, 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 da.
लाहौर शहर उसमें बसने वाला एक वैद्य ऐतिहासिक घटना है। लाहौर शहर उसमें बसने वाला एक वैद्य डॉक्टर बहुत नाम है उसका।
लिखा है कि संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, कोई सुख ऐसा नहीं जो उसके पास नहीं। घर वाली कहना मानने वाली, घर में कोई क्लेश नहीं, बच्चे भी बड़े लायक हैं, डॉक्टर है, वैद्य है, लोग सत्कार करते हैं, अगर कहीं जाता है तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, हर से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ है जो एक आदमी के पास हो सकता है, हर सुख है, पर फिर भी मन को शांति नहीं, हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो किसी ने रास्ता बताया वो अपनाया तो खालीपन लगता है, कुछ शांति नहीं है मन को, सब कुछ होते हुए भी। जो जिसने बताया वो किया, विधियां अपनाई, पर मन शांत नहीं हो रहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मित्र मिला जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे अपने दिल का हाल बताया कि सब कुछ है मेरे पास संसार में जो हो सकता है किसी के पास, फिर भी मन उदास है, शांति नहीं है मन में, कारण क्या है? वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख कहने लगा, मैं तो नहीं बता सकता पर मेरे गुरु बता सकते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए तो चल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वैद चल पड़ा, प्रोग्राम बनाया और चल पड़ा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए, मन को शांति मिली, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। माथा टेका, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, अपने मन की सारी व्यथा बताई कि पाशाह मेरे पास सब कुछ है, मन शांत नहीं, खालीपन सा लगता है, उदासी सी लगती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, मन अशांत होने का, सब कुछ होने के बाद एक ही कारण होता है, एक ही कारण, ये सारा ज्ञान हमारे लिए साथ संगत ध्यान से गुरु मेहर करे, ध्यान से सुनिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहां वचन किए, जब तक किसी के लिए बुरा सोचेंगे मन शांत नहीं हो सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गंभीर हो गया, चुप हो गया, वो वैद्य कहने लगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सवाल किया, क्या कुछ और भी करते हो मन को शांत करने के लिए? कहने लगा, हाँ, अष्टांग योग करता हूं, उसमें मैंने सिद्धि प्राप्त की है, अष्टांग योग। एक ऋषि हुए हैं पतंजलि ऋषि, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिन्होंने इस योग को क्रिएट किया था, जिन्होंने इस योग को खोजा था। इस योग में जाते ही आदमी शून्य में चला जाता है जो ये योग सीख ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह ने पूछा कि तूने अष्टांग योग को सिद्ध किया है तो इसमें क्या होता है, तुझे क्या अनुभव हुआ इसमें? कहने लगा, जब मैं योग साधना करता हूं तो समाधि में लीन हो जाता हूं, समाधि में जब तक लीन रहता हूं तब तक तो मन शांत है, और जैसे समाधि से उठा मन फिर वैसा का वैसा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका लाभ है इस योग का, पर तब तक जब तक समाधि में लीन है। यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किया साथ संग जी, कहने लगे, पहाड़ों में 5-5 हजार सालों से सिद्ध बैठे हैं, 5-5 हजार उम्र साल उम्र है जिनकी, श्वास चढ़ाकर बैठे हैं। संतोखा ऋषि लाखों साल तक, युगों तक धरती में दबा रहा श्वास ऊपर चढ़ाकर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस योग में जब तक साधना में है समाधि में तब तक शांति है, क्योंकि सुन हो गया, ब्लैंक हो गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कोई फुरना नहीं रहता, पर जैसे ही समाधि खुली फिर वही दुनिया वही ख्याल, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वैद्य कहने लगा, इसलिए तो आपके पास आया हूं, समाधि में होने के बावजूद भी मन को चैन नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फिर से वही सवाल दोहराया, किसी का बुरा तो नहीं किया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैद्य कहने लगा, नहीं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ज्ञान दिया
कि एक इंसान दूसरे इंसान के पांच तरह से हानि कर सकता है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, पांच तरह से हानि कर सकता है जिसका हमें ज्ञान भी नहीं। पांच तरह से, एक बौद्धिक तल पर, मांत्रिक तल पर, बौद्धिक मांत्रिक शारीरिक, पांच तरह के लिखे हुए हैं, मानसिक मांत्रिक बौद्धिक वाचक शारीरिक। इसको ध्यान से समझेगा। मानसिक, किसी के बारे में बुरा सोचते रहना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, चाहे हाथ से नहीं कर रहा पर सोच रहा है किसी के बारे में बुरा। कहते हैं ये भी, जब तक ये है मन में किसी का बुरा हो जाए किसी का भी, तब तक मन शांत नहीं हो सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा मांत्रिक, किसी मंत्र की सिद्धि कर ली, अब उस मंत्र की सहायता से किसी न किसी का बुरा कर रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हो गई मांत्रिक, किसी के बारे का बुरा करना किसी का। तीसरा बौद्धिक, बौद्धिक तल पर आज के जमाने में सबसे ज्यादा बुराई होती है। बौद्धिक किसे कहते हैं? ज्ञान हो गया, अब ज्ञान से दूसरों की बुराई करना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी किताबें लिखना, ऐसे वचन निकालने मुंह से, आजकल तो मीडिया हर एक के पास है, कुछ भी बोल के डाल दे, लोगों को भटका देना। बौद्धिक तल पर इंटेलेक्चुअल है और उसका काम क्या है? लोगों को भटकाना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसमें खुशी मिलती है उसे, उसे कौन? हम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि बौद्धिक तल पर किसी का बुरा करना, पांच तरह के बुरा कर सकते हैं एक आदमी दूसरे का, मानसिक मांत्रिक बौद्धिक वाचक बोलकर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को हर्ट कर ऐसे लफ्ज बोलने, किसी का दिल दुख जाए, किसी का बुरा हो गया। और शारीरिक, हाथ उठाना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ वचन किए, जब तक ये पांच तरहों में से एक भी बुरा हो रहा है किसी से, ध्यान देना साथ संगत जी, ये हमारे लिए बहुत विशेष है आज। अगर हम हाथ से बुरा नहीं करते, मन से तो सोचते ही हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानो ये चारों हम नहीं करते हैं, वाचक भी नहीं करते हैं, बौद्धिक भी नहीं करते, मांत्रिक भी नहीं करते, शारीरिक भी नहीं करते, मानसिक तो हर कोई करता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाचक भी हर कोई करता है, बोलकर तो करता ही है, मानसिक तो हर कोई करता है। मानसिक, अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, जब तारे को बैरी मीत, तब लग नहीं चल नाही चेत, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा चित एकाग्र चित हो ही नहीं सकेगा जब तक तेरे मन में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर वैद्य ने सवाल किया, पाछा ठीक है, मानता हूं मैंने शरीर तल पर किसी का बुरा नहीं किया, मांत्रिक तल पर नहीं किया, बौद्धिक तल पर नहीं किया, हो सकता है मानसिक तल पर किया, और मैं सोचता हूँ किसी का बुरा, अब इससे छुटकारा कैसे पाऊं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि इसी में ही दवाई है, जो बात है इसी में ही है। नाम जप कर, नाम जप जप कर इन पांचों पर काबू पाया जा सकता है, पांचों तरह की सोच पर, ध्यान देना साथ संगत जी। हमें बीमारी का पता चल गया, अभी यहाँ पर दवाई बता रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कहते हैं नाम जब जपेंगे, नाम जप जप कर ये मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है, किसी का बुरा सोचना मन बंद कर देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद जब ये पांचों तरह के बुराई हमारे अंदर से निकल जाती है किसी के प्रति, उसके बाद जब नाम जपा जाता है तो मन शांत हो जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को ध्यान से पकड़ना, अगर पकड़ में ना आई तो एक बार वापिस दास बता दे, पहले नाम जपेंगे तो ये पांचों बुराई हमारे अंदर से निकलेंगी, पांच तरह के जो हम हिंसा करते हैं, पांच तरह की हिंसा है ये, पांचों तरह की हिंसा नाम जपने से हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी, और जिस दिन ये खत्म हुई उसके बाद जब नाम जपा मन शांत हो जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, गुरु ने कृपा की, हमें इस रास्ते पे चलाया है, इसे कहते परमार्थ का रास्ता, जहाँ पे हम बैठे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी रास्ता जहाँ खत्म होता है, परमार्थ का शुरू होता है। ये बातें दास इसलिए बता रहे हैं, अभी आगे चल के हमारे आगे ये सब आएंगी, ये बातें, ये एक एक पड़ाव है जो हमें तंग करेगा, हमें ज्ञान होना चाहिए इसे पार कैसे पाना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन लोगों को शौक है परमार्थ के राह पे आगे बढ़ने का, उनके लिए बातें अनमोल है,
अनमोल। फिर सवाल मन में नहीं उठेगा, पहले ज्ञान होगा, सवाल का जवाब सामने होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वाणी की पंक्तियां जो पढ़ रहे हैं, मन अपने ते, मन अपने ते बुरा मिटाना, अपने मन से बुराई निकाल दे हर एक, किसी के लिए भी मन में बुराई मत रख। पेख है सगल सृष्ट साजना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब अपने लगे, कोई भी पराया ना लगे, बुराई निकल जाए मन से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांच तरह की हिंसाओं में सबसे श्रेष्ठ है मानसिक हिंसा, क्योंकि आदमी को पता भी नहीं चलता कब कर बैठा। वो वैद्य कहता है मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी सोचते हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर अगर ध्यान से वाचेंगे मन ही मन में कितनों का बुरा कर जाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे दुनियावी तल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो परमार्थ के रास्ते में आगे बढ़ते हैं ना, नाम सिमरन में मन नहीं लगता। हम अक्सर सवाल पूछते हैं मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। ये सारी बातें हैं, ये कड़ियां हैं, एक एक पे काबू करते जाएंगे मन लगता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब नोट कीजिए, जब किसी से झगड़ा हुआ हो, मन कल्पना कलेश में हो, मन नहीं लगता सिमरन में। मन कब लगता है? जब मन शांत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मन में किसी की बुराई चल रही है कि फलाने का बुरा हो जाए, फलाने का बुरा करना है, फलाने का ऐसा हो जाए, मन नहीं जुड़ेगा नाम में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन अपने ते बुरा बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे ज्ञान की एक और बात कही थी। कहने लगे नाम जप जप कर ये पांच तरह की हिंसा तेरे मन से खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब तू नाम जपेगा, नाम जपने के बाद हृदय से कहेगा नानक नाम चढ़ दी कला तेरे बाने सर्वत दा भला सबका भला। कहते थे जब तू भीतर से कहेगा तेरा मन शांत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं कई बार सोचता हूँ सच में धन गुरु नानक कितनी कमाल की अरदास बनाई है, कि अगर समझो अरदास करके कोई आदमी, कोई मूर्ख है समझो, कोई कलेश में तप, किसी से परेशान है, किसी से दुश्मनी है, यहाँ पे खड़ा होकर अरदास करे कि उसका बुरा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि सामने वाला रोड पे आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे लोग होते हैं सच में होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास आए हैं एक दो बार तो, कि ऐसा कोई नाम बताओ जिससे सामने वाला रोड पे आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुना तो था मैंने, देख भी लिया ऐसे लोग। अरदास कितनी कमाल की है, कोई खड़ा रह के यहाँ पे अरदास करे गुरु के आगे कि इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, और फिर आखिर में क्या कहेगा, नानक नाम चढ़ दी कला तेरे बाने सबका भला हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब में वो भी आ गया जिसका बुरा बोला है। ये अरदास ऐसी है कि सबका भला ही करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा तिसदा बुरा क्यों होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
डॉक्टर के पास जाओ, कहो शुगर है, कंट्रोल में नहीं आ रही, तो क्या कहेगा? कहीं मीठा तो नहीं खाते? प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, मीठा खाना छोड़ो, शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। गुरु के पास जाकर कहो कि दुख दूर नहीं हो रहे, गुरु के पास जाके कहो कि दुख दूर नहीं हो रही। गुरु पूछेगा कहीं दूसरों को दुखी तो नहीं करता? प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, जब तक तू दूसरों को दुखी कर रहा है तेरे दुख कंट्रोल में नहीं आ सकते। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, सिंपल सी बात है साथ साथ। कल भी यही था ना, जो बोएंगे वो काटेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दूसरे का बुरा सोचो और वो तुम्हारा बुरा न सोचे? प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। हमने 2 साल पहले ये प्रकरण लिया था, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। इसमें ये बड़े सारे प्रमाण दिए थे मैंने, ये प्रकरण निकाल के सुन लेना, पर का बुरा ना राखो चीत। इसमें पूरा डिटेल में ये बताया गया था सिद्ध करके, वाणी के आधार पर भी और दुनियावी प्रमाण भी, कि जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के भी बारे में, ऑटोमेटिकली वो भी हमारे बारे में बुरा सोचता है। ये कुदरत का नियम है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके बारे में बुरा सोचो और वो आपके बारे में अच्छा सोचे, वो केवल एक संत कर सकता है, आम आदमी नहीं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, दान गुरु नानक। उसमें एक दृष्टांत छोटा सा बता के दास आगे बढ़ता है। ये प्रैक्टिकल करके देखा गया इस बात को समझने के लिए कि सच में ऐसा होता है। क्लास में गए, क्लास में सब बच्चों से कहा एक कागज फाड़ो अपनी किताब में से और उस बच्चे का नाम लिखो जो तुम्हें पसंद है। सब बच्चों ने नाम लिखा और जब उन कागजों को खोला गया तो अगर राजू ने संदीप लिखा था तो संदीप ने भी राजू लिखा था। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। एक एक कागज को खोला गया, मैच किया गया, जिसने जिसके बारे में बुरा सोचा उसने उसका नाम लिखा। एक लड़के ने किसी का नाम नहीं लिखा था कि मुझे सब पसंद है कोई बुरा नहीं, उसका नाम भी किसी ने नहीं लिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कहती है पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मित, तुम्हें कभी दुख नहीं होगा अगर तुम किसी का बुरा नहीं सोचोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम दुखी हैं इसका मतलब बुरा सोचते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी क्या कहते हैं सर्वन के जी, पराया छिद्र अटकले, पराया छिद्र अटकले, अपना अहंकार वधावे, अपना अहंकार वधावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी समझाते हैं पराया छिद्र अटकल है। अगर तू दूसरों को गुनाहों को देखेगा, हमारी जो आदत है दूसरों के गुनाह गिनते रहते हैं बैठते, ये ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है। गुरु रामदास जी कहते हैं जब तक तू ये करेगा, दूसरों के गुनाह देखेगा, पराया छिद्र, दूसरे का छेक देखकर उसमें अटक जाएगा कि ये गुनेगार है, उसके अवगुण गिनेगा, कहते हैं तेरे अगुण खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। तेरे गुण खत्म हो जाएंगे, जो तेरे भीतर गुण है वो गुण खत्म हो जाएंगे, तुझमें अहंकार भर जाएगा और वही अवगुण जो तू दूसरों में देख रहा है कल तेरे में आ जाएंगे। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। ध्यान से समझिए बात को, सारे अवगुणों की जड़ क्या है? अहंकार। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। अहंकार में आदमी को दूसरे के अवगुण दिखते हैं, अपने नहीं। गुरु रामदास जी कह रहे हैं पराया छिद्र अटकल है, अपना अहंकार वधावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे हमारी अवस्था उस गंदी मक्खी की तरह है, जो सारा शरीर स्वस्थ है उस पर ध्यान नहीं देती, जहां पे जख्म है वहां जाके बैठ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी में 1000 गुण हो पर एक अवगुण है उसे पकड़कर बैठ जाएंगे, हमारी मन स्थिति वैसी हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अब गुरु की हजूरी में आके बैठे हैं, गुरु नानक के चरणों में, यहाँ पर मन स्थिति बदलनी चाहिए। गुरु को अरदास करो, पातशाह मेरे हृदय से बुराई निकाल दे, तू निकाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक मन अपने ते बुरा मिटाना। बुरा दुश्मन पता ही नहीं कौन है। आइए दो पंक्तियां पढ़ ले। मन अपने ते बुरा ऐसा रस होगा इस अवस्था में। यह अवस्था पाई थी ना भाई कन्हैया जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहते हैं, मैंने किसी दुश्मन को पानी नहीं पिलाया, मैंने तो आपको पानी पिलाया है। आप मांगते हो मैं आपको पिला देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुश्मन दिखाई नहीं देता, हर एक में गुरु दिखाई दे रहा है, हर एक में। दुश्मन से भी, दुश्मन में भी गुरु देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्त में भी दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी हालत देखो, कब पाएंगे। महापुरुष वचन करते थे, बुराई ऐसी चीज है जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं ना, उसका बुरा हो ना हो, तुम्हारा अपने पहले हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे माचिस का उदाहरण देते थे, माचिस की तीली दूसरे को जलाने के लिए जलती है। मोमबत्ती वो जला पाए या ना जला पाए, खुद तो जल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई आदमी किसी पे कीचड़ फेंकता है, उस पर कीचड़ पड़े ना पड़े, उसके हाथ तो कीचड़ से भर गए फेंकने वाले के। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं मन में, उसका बुरा हो ना हो, हमारा बुरा तो हो ही गया। क्यों? वाणी कहती है, अगर तू बुरा सोचेगा तो दुखी होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नहीं सोचेगा दुखी नहीं होगा। हम जब किसी का बुरा सोचते हैं, अपने आप को दुखी तो पहले कर ही लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है इस्लाम की, इस्लाम धर्म की घटना है, बड़े ही कमाल की है ये घटना। युद्ध चल रहा है खैबर में, यहूदियों और हजरत अली युद्ध कर रहे हैं, यहूदियों में और मुसलमानों में युद्ध चालू है खैबर की धरती पर। हजरत अली खुद युद्ध कर रहे हैं, एक यहूदी से उनकी तलवारबाजी चल रही है, युद्ध चल रहा है। हजरत अली ने उसकी तलवार गिरा दी हाथ से और उसको भी धरती पर गिरा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जैसे तलवार से उसका कत्ल करने लगे, उस यहूदी ने हजरत अली के मुंह पर थूक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना बात को, हजरत अली ने उसे हरा दिया। जैसे ही मारने लगे, तलवार भी उसकी गिरा दी, उसे भी धरती पर गिरा दिया। अब आखिरी वार करना था उसे खत्म करने के लिए, तो उस यहूदी ने हजरत अली के मुंह पर थूक दिया। और जब थूक दिया, हजरत अली रुक गए, तलवार नहीं चलाई, पीछे हट गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो यहूदी बड़ा हैरान हुआ, ये क्या बात हुई भाई, मारते मारते रुक गए, उल्टा मैंने थूका है।
गुस्से में तो मार देना चाहिए था, प्यार से बोली अदान गुरु नानक। उसने सवाल किया हजरत अली से, तलवार क्यों नहीं चलाई? कहने लगे इसलिए नहीं चलाई तूने थूक दिया मुंह पर। तो वो कहने लगा हाँ ठीक है थूक दिया मैंने, इसलिए थूका के एक ही बार में खत्म कर दे गुस्सा आ जाए आपको, प्यार से बोली अदान गुरु नानक। मुझे ज्यादा तड़पना ना पड़े, एक ही आप गुस्सा आ जाएगा क्रोध में जोर से वार करोगे मेरी मृत्यु हो जाएगी, मरना तो था ही। हजरत अली कहने लगे इसीलिए मैं पीछे हट गया क्योंकि मुझे क्रोध आ गया, प्यार से बोली अदान गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना, जिसके मन में किसी के बारे में बुरा नहीं होता उनके विचार देखो कहां पहुंचते हैं, क्या अवस्था है। हजरत अली कहने लगे मैं पीछे इसलिए हट गया क्योंकि मुझे क्रोध आ गया। फिर हैरान हुआ यहूदी, कहने लगा क्रोध आ गया तो मार देना था ना, मारा क्यों नहीं? हजरत अली कहने लगे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं तुझे यहां पर खत्म करने इसके लिए नहीं आया कि तू मेरा दुश्मन है, मैं यहां पर तुझे इसलिए मारने नहीं आया हूं कि तेरा मेरे से कोई जाति बैर है, तू जुल्मी है, जुल्मी की तरफ से आया है, जुल्मी का साथ दे रहा है इसलिए तुझे मारना पड़ रहा है। पर अब मुझे क्रोध आ गया, जब तूने मेरे मुंह पर थूका मुझे क्रोध आ गया, अब मैं तेरी हत्या कर देता तो ये पाप होता। प्यार से बोली अदान गुरु नानक, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाता, क्रोध में मार नहीं सकता मैं तुझे, शांत होकर मार सकता हूँ। प्यार से बोली अदान गुरु नानक, धन गुरु नानक। युद्ध में भी मारने वाले के प्रति भी द्वेष भाव नहीं है, उसकी बुराई नहीं है मन में, कत्ल कर रहे हैं पर उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहे। प्यार से बोली अदान गुरु नानक। और धन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती। दर्शन करते हो आप हजूर साहब जाकर, तीर पर सोना लगा हुआ है, सोना लगा हुआ है तीर पर, हर तीर पर सोना लगा होता था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। उनसे पूछा गया क्यों लगाते हो इतना सोना, कहने लगे ताकि अगर सामने वाला मर जाए तो ये सोना उसके दफन कफन के काम आ जाए, और अगर जख्मी हो जाए तो उसके इलाज के लिए सोना काम आ जाए जिसे मार रहे हैं। तो कहा कि वो तो दुश्मन है जिसे मार रहे हैं, उसके बारे में क्यों सोचे? गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे मेरा कोई दुश्मन नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, किसी से जाति बैर नहीं, सामने वाला जुल्मी की तरफ से आ रहा है इसलिए मारना पड़ रहा है, मजबूरी है, हम नहीं मारना चाहते। प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। इसलिए तीर पर सोना लगाते हैं, अगर जख्मी हो जाए तो उसको वो अपनी दवा दारू कर ले, अपना इलाज कर ले उस सोने से, और मर जाए तो उसके दफन कफन के काम आ जाए वो सोना। मार रहे हैं पर साथ में दया है। प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। बुराई नहीं है मन में, देखिए युद्ध चल रहा है, मार रहे हैं पर बुराई नहीं है मन में, यहां पर ना हमारा युद्ध चल रहा है ना हमसे किसी से जायदाद बांटनी, तो भी हर एक का बुरा सोचते हैं बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर एक के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, किसी ने धोखा दिया होता है, किसी ने कुछ किया होता है, हम गुस्से को पालते हैं, अंदर ही अंदर पालते हैं, उसके बारे में सोचते हैं बुरा, पर उसका बुरा हो ना हो अपना तो हो ही जाएगा भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक दूसरे का बुरा सोचेंगे हमारा भला कैसे होगा, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए अदान गुरु नानक। और दो पंक्तियां ये भी पढ़ ले एक बार। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाए मीत। पर का बुरा राखो चीत, तुमको दुख नहीं आए। पर का बुरा राखो चीत, तुमको दुख नहीं आए। I
राखो चित पर काबुरा न राखो चित तुमको दुख नहीं पाए पर काबुरा तुमको दुख नहीं पाए मीत तुमको दुख नहीं पाए मीत पर काबुरा न राखो चित तुमको दुख नहीं पाए मीत प्यार से बोलिए धन गुना धन गुना बॉम्बे में एक संस्था है एक कमाल की घटना है प्रैक्टिकल घटना प्यार से बोलिए धन गुरु नानक बॉम्बे एक संस्था है बॉम्बे में जो एक्यूप्रेशर से लोगों का इलाज करती है जो उनकी मुखी है वो बता रही है अभी अभी की घटना इसका लिंक है यूट्यूब के ऊपर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक क्या बताती है वो मुखी जो कंसल्ट करती है पेशेंट्स को और एक टीम है जो एक्यूप्रेशर करती है लोगों का बहुत विश्वास है उसके ऊपर कि हाथ लगाएगी तो ठीक हो जाएगा घर से बोलिए दान गुरदान कहने लगे मेरे घर पे एक पत्रिका आई जिसमें लिखा हुआ था कि दूसरे के बुरा मत सोचो घर से बोलिए दान गुरदान कि निंदा कितनी बुरी चीज है बड़ी ध्यान से सुना ये बहुत काम की चीज है वाणी तो कहती है पर हम क्या है ना कलयुगी जीव है वाणी पे विश्वास कम प्रैक्टिकल पे ज्यादा करते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक होना तो ये चाहिए था गुरु ने कह दिया बात खत्म गुरबाणी समझाने के लिए गुरबाणी पे विश्वास लाने के लिए दुनियावी बातें करनी पड़ती हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक कहते हैं कि मेरे घर में पत्रिका आई मैंने उसे पढ़ा कि निंदा कितनी बुरी चीज है किसी महापुरुष ने लिखा हुआ था कि अपने कर्मों की वजह से हमें दुख भोगना पड़ता है अपने कर्मों की वजह से बीमारियां बहुत कुछ आता है खुद को झेलना पड़ता है पर जो निंदा करते हैं दूसरों की बीमारियां अपने सर पे लेते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक जब अपने नहीं भुगतने जा रहे दूसरे की निंदा करके दूसरे के पाप अपने सर पे क्यों लेते हो निंदा इतनी बुरी चीज है कहने लगे मैंने पढ़ा और रख दिया जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं सुबह चले गए अपने जहां पर लोग आते हैं लाइन लगाकर एक्यूप्रेशर कराने कहने एक लेडीज आई कहने लगी मुझे आपसे एक्यूप्रेशर कराना है वो कहने लगे भाई मैं तो सिर्फ कंसल्टेंट करती हूँ पहले करती थी एक्यूप्रेशर अभी जो टीम है वो करेगी मैं बता दूंगी उनको कहने लगे नहीं मेरा मेरे मन का भाव है कि आप करो आपका हाथ लगने से मैं ठीक हो जाऊंगी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कहने लगी मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मेरे घुटने काम नहीं कर रहे
इतनी ज्यादा तकलीफ है, डॉक्टर कहता है कि इलाज चालू कर दिया, डॉक्टर ने दवाई देनी शुरू की है और कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, नहीं तो बेड पे ही रहोगी सारी जीवन, चल नहीं पाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उस पर तरस आ गया और वो कहने लगी, मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ एक्यूप्रेशर, अंदर चले गई। उसका कहना था कि जब हम वो पॉइंट्स दबाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए बातों में लगाती है पेशेंट को, उसे बातें करनी शुरू की ऐसे ताकि उसका ध्यान बदल जाए पॉइंट्स दबाते वक्त। तो उसको पूछा, भाई कितने घंटे खड़े रह के काम करते हो? कहने लगी, 2-2.5 घंटे लगातार खड़े रहना पड़ता है किचन में, बच्चों के लिए टिफिन, घर वाले के लिए टिफिन। तो ये पूछती है कि भाई इतने देर नहीं खड़ा रहा करो, आधा एक घंटा करके आराम किया करो, फिर आधा घंटा करके। कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। और कहते कहते उसने अपनी सांस की निंदा करनी शुरू कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि वो सांस कोई मदद करती नहीं, बैठी रहती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है, ये वो सांस पुराण कहते शुरू कर दी उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सांस पुराण पता ही होगा लेडीज को, तो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने लगी, मेरे अचानक मेरे मन में ख्याल आ गया कि कल ही मैंने पढ़ा है कि निंदा करने से दूसरे के दुख लेने पड़ते हैं अपने सर पर, और ये अपने सास की निंदा करते जा रही है। कल ही मैंने पढ़ा था आर्टिकल, आज मेरे सामने पेशेंट आ गया जो निंदा कर रहा है सास की। और मैं हैरान इस बात पे थी कि ये जवान है, इस उम्र में घुटने खराब नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जवान है, इस उम्र में इसके घुटने खराब कैसे हो गए? ये तो एज के बाद एक फैक्टर आता है, चला नहीं जाता। तो कहे, मैंने उससे कहा, मैं तेरे इलाज, मेरे मन में आया कि मैं प्रैक्टिकल करके देखूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो डॉक्टर के मन में आया कि मैं प्रैक्टिकल करके देखूं। कहने लगे, मैंने उससे कहा कि मैं तेरे पॉइंट्स तब दबाऊंगी एक्यूप्रेशर के अगर तू मेरी एक बात मानेगी। वो कहने लगी, क्या? कि सांस की निंदा नहीं करेगी तू। वो कहने लगे, ये हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा स्वभाव बन चुका है, अपनी बेटी आती है तो किचन में खाना बनाने आ जाती है, मेरे लिए सब्जी भी नहीं काटती, वो फिर शुरू हो गई। वो कहने लगी, अगर तू ऐसे ही करती रहेगी तो मेरी टीम तेरा एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाएगी, मैं नहीं जा रही हूँ। तो उसने पकड़ लिया, ठीक है मैं कंट्रोल करूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने, कंट्रोल नहीं, वादा करके जा तू 3-4 दिन, जब तक मैं तेरे कर रही हूँ तेरा इलाज 3-4 दिन तक कम से कम तू निंदा नहीं करेगी सांस की। तो कहने लगे, ठीक है वादा करती हूँ नहीं करूंगी। कहने लगे, मैंने जो 4-5 पॉइंट्स दबाने थे दबा के उसे भेज दिया। 3-4 दिन के बाद मैंने उससे पूछा, कैसा है तबीयत कैसी? कहने लगे, घुटने में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मन बड़ा शांत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन बड़ा शांत है, बड़े सालों बाद मैं चैन की नींद सोई हूं, क्योंकि मैंने तो उसने कहा, क्यों दिनचर्या में कोई अंतर डाला? कहने कोई अंतर नहीं डाला। कहने, सांस की निंदा कहती यहां तक आती है निंदा, पर रोक देती हूं क्योंकि आपने कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं बुराई नहीं कर रही सांस की, ये बड़ी लंबी कथा है, मैं बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं आपको, मैं निंदा नहीं कर रही। निंदा नहीं की, चैन की नींद आई 4 दिन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये डॉक्टर कहती 14 दिन तक इसने सांस की निंदा नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 14 दिन तक मैं इसके एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाती रही। 14 दिन के बाद इसके डॉक्टर का इलाज भी चालू था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा 2 महीने के अंदर अंदर। ये डॉक्टर के पास गई थी रिपोर्ट दिखाने, डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट्स में तो सब पॉजिटिव है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर तुम जैसे चलकर आए हो लगता नहीं तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हारे घुटने ठीक हो रहे हैं और तुम जहां से भी जो एक्यूप्रेशर कर रही हो वो कराती रहो ट्रीटमेंट, क्योंकि वो कामयाब हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये डॉक्टर कहती है, मैं हैरान हो गई मेरे सामने। कहने की, मैं ये बात दावे से कहती हूँ, मेरे पास आ जाओ, उसने फोन नंबर दिए हुए। कहती, ये फिर मैंने वहां का एक फिक्स नियम बना दिया है, अब ट्रीटमेंट जिसने करानी है पहले निंदा बंद करे। कहने लगी, हमारा रिजल्ट पहले 100 में से 10-12 पेशेंट ठीक होते थे, अब 100 में से 95% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी। सिर्फ बुरा सोचना बंद किया, निंदा बंद की, वही एक्वाप्रेशर है। सिर्फ किसी का बुरा सोचना बंद किया, निंदा करनी बंद की, उसने इतने एग्जाम्पल दिए हैं, लोगों को सामने खड़े करती है जिन्होंने ये किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
वाणी तो कह रही है पर का बुरा ना रखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। बीमारी तक ठीक हो रही है अगर हम किसी का बुरा नहीं सोचते, निंदा नहीं कर रहे, और क्या चाहिए यार जी। बोलिए धन गुरु नानक। टूटा कर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। टूटा कर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। टूटा कर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। टूटा कर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। टूटा कर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। टूटा कर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। टूटा कर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। टूटा कर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। सगल समगरी तुमरे सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। सगल समगरी तुमरे सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। सगल समगरी तुमरे सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। सगल समगरी तुमरे सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। टूटा कर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। टूटा कर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। टूटा कर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। टूटा कर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। टूटा कर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। टूटा कर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सब को देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
गुरु जी सदा सहा। जय गुरु जी की। Oh,